नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि Redmi Y2 में Android 10 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गैस मैं आपको ये बता दूं, कोई कंफर्म नहीं है, 50% चांस है। आइए हम इस बात को समझते हैं, मिलेगा या नहीं। 50-50 कहने से नहीं होगा। कोई भी फोन होता है वो लॉन्च होने के 3-3.5 साल तक उसे अपडेट मिलता रहता है, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी पैच हो या फिर कोई फीचर अपडेट हो, ठीक है गाइस। तो अभी हमारे Redmi Y को 2-3 साल हुआ है, 3 साल तो मान के चलिए 3 साल हुआ है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं MIUI 12 का अपडेट मिल गया। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने सिक्योरिटी ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक डिवाइस पड़ा है, उसको मैंने अभी मतलब कि MIUI 10 पे ही चला, 11 पे चला रहा हूं, 10 पे था तो 11 पे मैंने काफी दिन पहले कर लिया था। एक डिवाइस पड़ा हुआ था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उसमें MIUI 10 था, तो मैंने उसमें अपडेट किया तो अभी 11 आ गया। तो अगर आप में से कोई यूजर है Redmi Y2 का जिसे MIUI 12 अभी तक नहीं मिला है तो चेक करो। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, मेरे फोन पे देखो, अभी मैंने चेक किया था इसे, तो ये देखो अपडेट MIUI 12 का आया हुआ है, ठीक है गाइस। ये चीज मैंने आपको बता दी, अगर आपको तब भी नहीं मिला तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि Android 10 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस आप नवंबर तक का वेट कर लो, नवंबर में अगर आपको मिल जाता है कोई अपडेट, अगर Redmi Y2 को कोई सा भी मिलता है तो वो अपडेट सिक्योरिटी पैच का नहीं होगा, वो अपडेट आएगा तो आपको वो अपडेट मिलेगा कौन सा, वो आपको मिलेगा 12.5 का। अगर आपको 12.5 का अपडेट मिला तो आप ये बात याद रखना, आपको Android 10 जरूर मिलेगा। अगर आपको 12.5 का अपडेट मिल गया तो आपको Android 10 जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 12.5 का अपडेट ना मिले डायरेक्ट Android 10 मिल जाए, या 12.5 मिल जाए तो Android 10 ना मिले। कोई सा भी फोन है जिसमें Android 10 है उसी को जो है 12.5 दिया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास Android 9 पाई पे चल रहा है हमारा MIUI 12, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमें अपडेट नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है। देखो अगर Xiaomi हमें Redmi Y2 को अपडेट देगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3-3.5 साल तक अपडेट दिया जाता है, अगर लास्ट अपडेट नवंबर में मिलेगा Redmi Y2 को, अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। गाइस मैं आपको ये चीज बता दूं, कोई सा भी फोन होता है जब 3-3.5 साल मतलब यूज हो जाता है, बंदे उसे यूज कर लेते हैं, तो कंपनी चाहती है कि इस फोन को हम खुद से स्लो कर दें। जैसे ही वो उसको स्लो करेंगे तो फिर जो बंदा अपने डेली यूसेज टास्क होता है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा हैंग होगा, बैटरी ड्रेन होगी ज्यादा, तो बंदा खुद ही नया फोन लेगा और कंपनी की सेलिंग होगी अच्छी खासी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास MIUI 12 आ रहा है, अभी चल रहा है, तो गाइस उसी को चलाओ। अगर आप 11 पे हो तो 11 पे ही रहो, क्योंकि 12 में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें फिर से करना है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये वाला कस्टम रोम है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो बैटरी ड्रेन का कोई इशू नहीं है, ठीक है, और वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट लेकिन इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अगर नवंबर में अपडेट मिलता है तो आपको MIUI 12.5 का मिल जाएगा और उसमें Android 10 मिल जाएगा। और गाइस मैं इसका जो नुकसान है वो भी बता देता हूँ, आपका डिवाइस स्लो हो जाएगा और फिर आपको न्यू डिवाइस परचेस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो क्या नुकसान है, उसके क्या फायदा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक लेके टेक केयर, बाय बाय।